मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूं कि जब दोस्तों के सर्कल में बैठे ना, ये मैं अपने व्यूअरशिप को भी कहूंगा, अपनी बेटियों को भी कहूंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज में, कि आप जब बैठी ना दोस्तों में, तो उसमें से जिस बच्ची के पास जो चीज नहीं है ना, उसका जिक्र ना करें। ठीक है, अगर एक बच्ची, पांच बहनें बैठी हैं, पांचों के बच्चे हैं, चारों के बच्चे और एक बच्ची नहीं है, तो अपने बच्चों की तारीफ ना करें उस औरत के सामने। या कोई एक दोस्त ऐसा है जो बड़ा गरीब है, या उसके पास गाड़ी अच्छी नहीं है, तो आपने अपने ना फॉर्च्यून की, मर्सिडीज की तारीफ नहीं करने की, यार क्या बात है, जो एस क्लास में मैं बैठता हूँ ना तो ऐसे हो जाता, क्योंकि उसके अंदर ना चाहते भी आपके लिए भी और उस एक चीज के लिए भी नफरत पैदा होती जाएगी। हमारा एक दोस्त है, वो अक्सर बैठा होता, तो मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, मैंने ले लिया, बड़ा प्यारा मेरा दोस्त, एकदम उसको मैंने बिठाया, मैंने कहा जब दोस्तों में बैठो, अगर उनमें खैर कर नहीं सकते ना, तो उनके दिल का सुकून मत छीनो, क्योंकि जो भी आप किसी को देंगे आपके पास वापस आ जाएगा। हम अक्सर दोस्त बैठे होते हैं ना, एक दोस्त खड़ा हो जाता है कि यार मैं जा रहा हूँ, सारे कहते नहीं यार बैठ जाते, यार प्लीज नहीं जाना अभी, वो फिर बैठ जाता। मैं उनको एक बात कहता हूँ कि जो एक दफा खड़ा हो गया ना, उसको नहीं बिठाना, वो जब तक उसका कम्फर्ट जोन था वो बैठा हुआ, उसके जहन में कुछ चीज ट्रिगर हुई है, उसके बाद अगर बिठाओगे तो उसके अनकम्फर्टनेस के आप भी हिस्सेदार बन जाओगे, क्योंकि उसको अनकम्फर्टेबल करोगे ना, तो आप भी उसके हिस्सेदार बन जाओगे, तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है।